उपचुनाव में कांग्रेस गद्दार शब्द से सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों को घेर रही है। कांग्रेस के इस वार पर अब पलटवार किया है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। सांवेर में सभा के दौरान मंच से सिंधिया का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि गद्दार तो कांग्रेस है जिसने किसानों के साथ गद्दारी की है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को लेकर कहा कि उनकी नीयत साफ है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस जनता के बीच बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए और गद्दार जैसे नारों के साथ जनता के बीच जा रही है। बीजेपी इस मुद्दे को हावी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि इन दिनों हो रही सभाओं में चाहे शिवराज सिंह हो या सिंधिया और अब कैलाश विजयवर्गीय सब इस मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।